अम्मी फातिहा हो गया हो गया हाँ। तो फ्रेंड्स अम्मी का आज रोजा था, हम लोग का त्रिधा इंशाल्लाह हम लोग कल रखेंगे। हम लोग बैठ गए अम्मी की इफ्तार करने, बस मगरिब का टाइम हो रहा है, उसके बाद नमाज ही पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स नमाजें हो चुकी हैं, मगरिब की नमाज तो होती है, साथ साथ फ्रेंड्स इसमें 6 रकात नफिल नमाज होती है, तो वो सब हमने अदा कर लिए। और अम्मी पता है पिछले साल हम आज की रात कहाँ पे थे? मक्का शरीफ। हाँ। आज के दिन हमने उमरा किया था, उम्रा और रात हमने वहाँ पे की थी। एक साल मुबारक दिन। आज के दिन 1 साल में फ्रेंड्स बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत कुछ बदल भी गया। हमें पता नहीं था कि मतलब कंसीव कर चुके थे, हाँ, हाँ। तो नहीं पता था, लेकिन 1 साल में बहुत कुछ खोया भी, बहुत कुछ पाया भी, लेकिन हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। बस आप, मैंने आप सबके लिए दुआ की है, हम YouTube वालों के लिए भी दुआ कर, सब पूरे YouTube वालों को, पूरी दुनिया के लिए, तुम्हारे पूरे दोस्तों के लिए जो हमसे जुड़े हुए, सबके लिए मैंने दिल से दुआ करी। अल्लाह हमेशा खुश रहा, अल्लाह हमेशा उनकी सबकी जायज अल्लाह मुराद पूरी कर। बस इस बार सबा कुकिंग में फेल नहीं हुई, उन्होंने ट्राई किया अपनी नानी की बताई हुई रेसिपी के थ्रू चना दाल का हलवा, और उन्होंने सच में बहुत ही टेस्टी बनाया। सबने टेस्ट किया और बहुत तारीफ की। इस बार सबा ने कर दिखाया, क्योंकि इंसान जब प्रैक्टिस करता है तभी परफेक्ट बनता है, और सबा जो है कुछ ना कुछ ट्राई करती रहती हैं, तो इसी तरह प्रैक्टिस करती रहेंगी तो वो कुकिंग में जो है परफेक्ट बन ही जाएंगी। तो आपको इस बारे में क्या ख्याल है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी चाहिएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा, इस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।